चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कर एक इतिहास निर्माण किया है, जिससे पूरा भारत देश शास्त्रज्ञ को सलाम कर रहा है। ऐसा ही सलाम शहर के श्रीनगर कॉलोनी स्थित श्रीनगर गणेशोत्सव मंडल ने दिया है। मंडल की ओर से चंद्रयान 3 की प्रतिकृति साकार की थी। मंडल की ओर से हर साल ऐसी ही झांकियां बनाई जाती है। इस साल उन्होंने चंद्रयान 3 की प्रतिकृति साकार की। यह मंडल पिछले 40 सालों से यह गणेश उत्सव मना रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मंडल की ओर बाप्पा स्थापना कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें परिसर के लोगों ने सहभाग लिया था। भाई मंडल की ओर से बच्चों के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस उत्सव को सफल बनाने के लिए अक्षय आदित्य धोटे, उपाध्यक्ष अजिंक्य धोटे, सचिव दिनेश कथलकर, समीर कुंडेकर, चैतन्य पडोले, प्रज्वल सुशील, चंद्रकांत मीणे, पराग बॉबडे और प्रतीक वैग कार्यक्रम में थे। 22 वर्ष झाले आम्ही यहाँ गणपती बसवतो आणि आमची इथली जी मुलं आहेत ती लहानपणापासूनच ह्या गणपतीच्या कार्यक्रमात खूप उत्साहाने काम करत होती। आता मोठे झाले खूपच उत्साह असतो आमच्या इथे। आम्ही करोनाच्या आधी सगळे कॉलनीतले सगळे बायका म्हणजे आमच्या इथे 80 वर्षाच्या वरच्या ह्या काकू आहेत, केतकर काकू, तिजारे काकू, अगदी रोज येऊन अथर्व शीर्ष म्हणणे त्यांचा नित्यक्रम आहे इथे। आणि खूप उत्साहात आम्ही हा साजरा करत असतो गणपतीचा उत्सव। आणि आमच्या कॉलनीत खूपच उत्साहाचं वातावरण असतं हे 10 दिवस आणि खूप आनंदी वातावरण राहतं। आणि हे मुलं तर फारच म्हणजे आज ते जे चंद्रयानची थीम त्यांनी केली, स्वतःहून केली, नोकरी करणारी मुलं आहेत, काही शिकणारी मुलं आहेत, तरी पण वेळात वेळ काढून येऊन ते सगळं करतात। आणि ह्यावर्षी आम्ही नाटक नाही केलं, नाहीतर आमच्या इथे नाटकसुद्धा असतं, आम्ही स्वतः बसवतो, आम्ही स्वतः त्याच्यात कलाकार म्हणून काम करतो। हमारे यहाँ हमारी यंग जनरेशन जो है, तीनों बच्चे है, खास नाम मैं उनका लूँगी, एक है आदित्य, अचिंक्य और दादू यानी दिनेश कथलकर। ये बड़े उत्साह से हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं। जी इस साल उन्होंने अपने और ज़्यादा फ्रेंड जमा कर दिए और वो भी सहभागी हो गए। चैतन्य है, वो कथक है, वो बड़ी धूमधाम से हम उत्सव मनाते हैं। और शाम को 7:30 या 7:30 बजे हम यहाँ आरती वगैरह और अंदर शीर्षक पढ़ते। जैसा आपको पता है कि इस साल चंद्रयान का थीम जो हमने किया है तो उसके लिए मतलब मेहनत तो लगी है, लेकिन बहुत कम दिन भी बहुत कम थे, तो इसके लिए हमने इको फ्रेंडली वे में जो हमें करना था तो इसलिए हमने इको फ्रेंडली वे में किया है। और जैसे POP हम गणपति यूज ही नहीं करते बिल्कुल, तो जैसे मिट्टी की जो है मूर्ति हम वही लेते हैं, हम साथ PVC पाइप जो हमने जो सैटेलाइट बनाया है PSLV वो भी हमने PVC पाइप से बनाया है। और जो ये जो कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर इसमें से यूज़ हुआ है और ये कॉटन, बस इस बस इको फ्रेंडली वे में ही हम यूज़। जैसे कहा कि टाइम बहुत कम था, हमने सिर्फ 3 या 4 दिन में हमने ये सब किया। अच्छा, कोई आइडिया कैसे आया कि आपको ये थीम बनानी है, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 3 चंद्र पर लैंडिंग भी हुआ है। हाँ, इसलिए जैसे चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 इस साल इसीलिए किया है कि जो हाल ही में 23 अगस्त को जो लैंड किया, इसलिए इसी साल हमने ये यूज़ किया। सर क्या लागत है ये? इसमें हमें कम से कम 3 या 4 हज़ार बनाने। आपने 10 दिन के गणेश उत्सव मतलब चल रहा है, प्रोग्राम भी, एक्टिविटीज भी कुछ हो रही है कुछ खास? हाँ, जैसे यहाँ पर लगा है कि हमने ड्राइंग कंपटीशन भी लिया है, म्यूजिकल चेयर्स गेम्स लेते हैं हम हर साल। संडे को छुट्टी रहती है इसलिए हम संडे को ही गेम्स लेते हैं छोटे बच्चे। आज महाप्रसादी का आयोजन है, कितना प्रतिशत मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? कॉलोनी जैसे हमारी कॉलोनी में ये रहता इसलिए कॉलोनी के लोगों के लिए बेसिकली आज इस बार हमने चंद्रयान 3 का थीम रखा था कि एक क्योंकि एक हमने वीडियो देखा था डेकोरेशन वाइज, तो इससे उसके हिसाब से हमने चंद्रयान 3 बनाया था। तो उसमें हमारा जो PSLV था वो बीच में था, उन्होंने दिखाया था, बट हमारा चांद दिख नहीं रहा था क्योंकि वो 4.5 फीट का चांद है और क्योंकि वो कैसा उसका साइज भी थोड़ा बड़ा है और अपनी मूर्ति भी दिखनी चाहिए, इस हिसाब से हमने उसे फिक्स किया है और रात के 1-1 बजे तक हमने उसको डेकोरेट किया है। और इस तरह हमने डेकोरेट, ये हमारी टीम है पूरी, इनके साथ हमने पूरा डेकोरेशन किया है और मेरा दोस्त भी था और एक हमारे चंद्रकांत मेंडे अंकल भी थे, उन्होंने भी हमें हेल्प की क्योंकि वो चांद खड़ा नहीं हो रहा था तो हमें पूरा लकड़ी की हेल्प की वजह से उसको करना पड़ा और फिर फाइनली हमने उसे एग्जीक्यूट किया।
युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि सब लोग एक साथ मिलकर आइए, काम करिए और एक सोसाइटी में जो एनवायरमेंटल जो होता है उसे मेंटेन रखिए। मतलब आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें से भी आप टाइम दीजिए सोसाइटी के। देन इसीलिए हमने यही सोचा था कि कम से कम बजट में अच्छा सा डेकोरेशन हो और अच्छा उसको वो प्रतिसाद मिले, इसलिए हमने कम से कम बजट में हमने ये डेकोरेशन किया है। हर साल हमारा ऐसे ही उत्साह चलता है और आगे भी चलता है। कैमरा पर्सन गिरीश झुनके के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।